लास्ट क्लास का जिक्र कर रहे थे आप लोगों से बेटे, लास्ट क्लास में पोटेंशियल के कितने डेरिवेशन कराई थी? दो। और आज की क्लास में पोटेंशियल की लास्ट डेरिवेशन करेंगे, और ये डेरिवेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तीनों में से, क्योंकि तीन ही डेरिवेशन है पोटेंशियल में सिर्फ आपके सिलेबस में, और छोटी मोटी डिफाइंस हैं जो कि बतला दी जाएंगी। तो बेटा डाल दो, सबसे पहले एक नोट डालेंगे। नोट में क्या है, लास्ट क्लास का रिजल्ट आपने देखा था पोटेंशियल, अच्छा था, पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लिया था और पोटेंशियल भी देख लिया था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था बतलाओगे एक बार बेटा? 1/4πε0 चार्ज बाय आर आया था, चार्ज बाय आर, वो चार्ज क्या था? सोर्स चार्ज। और आर क्या था? जितनी दूरी पे पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज बाय आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता है और पोटेंशियल में आर होता है। एक क्वेश्चन आता है दोनों के बीच में संबंध है, रिलेशन बताना, और फिजिक्स का एक रूल है कभी भी दो चीजों के बीच में रिलेशन या संबंध बताना हो तो कैसे बतलाओगे? दोनों को सामने ले आओगे, पता लग जाएगा संबंध, तो वही है रिलेशन। डालो बेटा रिलेशन बिटवीन द, क्या बोला, मार कर दो तीन चार यहां से, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में संबंध पता लगाने। बेटा ऊपर देखें, यहां पे क्या लिखा है बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है पहले चैप्टर में देखा था, 1/4πε0, यहां पे क्या आएगा? सोर्स चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब पोटेंशियल का क्या है बड़े? 1/4πε0 चार्ज बाई आर, सिर्फ आर। बताओ इस आर स्क्वायर को स्प्लिट करके आर इंटू आर लिख सकते हैं? बताओ क्या आएगा? 1/4πε0 आएगा बड़े, सोर्स चार्ज आएगा आर डॉट आर। ये पूरी वैल्यू दिख रही है, ये क्या वी है? ध्यान से देखो भाई, पूरी सेम ही तो है, इसकी जगह वी लिख दो। तो इस पूरी वैल्यू को हटा के क्या लिख दिया? वी। तो क्या आएगा? वी बाई आर। ये ई आया नहीं आया? और ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, यानी आप न्यूमेरिकल लगाओगे आप लोग पोटेंशियल के तो ये बहुत काम आएगा। ई और वी के बीच में संबंध है, रिलेशन है। जब भी कोई क्वेश्चन हो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करा जा रहा हो और पोटेंशियल का जिक्र करा जा रहा हो तो आप इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लोगे। अच्छा, इसके बाद इसके ऐसा यूनिट, क्या बोला? ऐसा यूनिट फील लो यहाँ पे। अगर ऐसा यूनिट की बात करें, यहाँ लिख लो, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? बताओ वी बाय आर। तो ये वी और ये आर है, वी है क्या पोटेंशियल? पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, डिस्टेंस है ना भैया। तो क्या आएगा? ई इज इक्वल टू वोल्ट मीटर इनवर्स, ये ऐसा यूनिट होगी। परंतु पहले चैप्टर में आपने ये भी तो पढ़ा है, वी नो ई का फॉर्मूला तो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज भी होता है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, ये भी होती है। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों यूनिट होती है। तो ये आपको रिलेशन जरूर आना चाहिए दोनों के बीच में। ई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी क्या है? पोटेंशियल, आर क्या है? डिस्टेंस, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट क्या है? वोल्ट मीटर इनवर्स भी होती है और न्यूटन के ऊपर कूलम भी होती है। आगे आएगा, इसे लपेटो फास्ट। ऊपर देखो बच्चों, बड़े जिक्र किसका हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। ये चैप्टर चल रहा है आप लोगों का सेकंड, इसमें क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जिक्र करने वाले थे हम। तो पोटेंशियल लगभग खत्म होने की कगार पे है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक क्लास पहले हुई थी, एक क्लास ये हो रही है, एक क्लास और होगी ज्यादा बस। उसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? कैपेसिटेंस। उसमें एक एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन होती थी जो कि हटा दी गई है, लास्ट ईयर थी। हाफ सी वी स्क्वायर, कितनी थी? हाफ सी वी स्क्वायर। सीबीएसई वाले सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फॉर्मूला करा दो बच्चों को और क्वेश्चन करा दो, है बुढ़वक नहीं है, फॉर्मूला करा दो, न्यूमेरिकल करा दो, पर डेरिवेशन मत कराओ। कौन होते हैं लोग और कहाँ से आते हैं? बिना डेरिवेशन के कहते हैं न्यूमेरिकल करा दो। डायलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब की डेरिवेशन बचती है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में देखेंगे, और कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी यही आपके टॉपिक है सेकंड चैप्टर के। बस छोटे मोटे और भी ऐड कर दो बस, यानी पोटेंशियल बहुत ईजी है, यहाँ पे नंबर लेके आ सकते हो। और लास्ट क्लास में जो होमवर्क शीट मिली थी, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आज पूछ लेना, क्लियर है क्या? आज डोंट वरी, 10 नहीं बजेंगे रात के, लास्ट क्लास में बजे थे ना, आज नहीं बजेंगे, क्लियर है क्या? आइए, अच्छा ये बताएं इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है?
पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। बड़े नोट डालिए, एक नोट नंबर पहला। यस, क्या हुआ? हाँ गिरने दो, एसी है तो पानी तो गिरेगा ही बेटा। नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला, आओ बेटा ऊपर देखो, देखते हैं अभी, डोंट वरी। गांव में कभी गए हो? मैं चाहता नहीं हूँ इस टॉपिक पे आना, मैं आ जाता हूँ। गांव में कभी गए हो? पेड़ होता है, हवा चल रही होती है, उसके नीचे कहीं बैठे हो? गुड, बाद में बताएंगे आगे। फिर बेटा नोट नंबर पहला, ओए आवाज नहीं बड़े, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। बताओ एक लाइन छोटी है तो एक लाइन बड़ी है, छोटी बड़ी है या नहीं है? कितनी छोटी है कितनी बड़ी आपको पता है क्या? नहीं। मान लीजिए ये एंगल दिख रहा है बीच में, ये एंगल थीटा, ये क्या है? बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये एंगल बहुत छोटा होता, अगर मान लो ऐसे, मान लो ये छोटा सा क्या है? डाइपोल है। क्या है? डाइपोल। छोटा होता है पर डाइपोल, 10^-6, 10^-8, 10^-12, पता ही आप लोगों को। और एक पॉइंट पी रखा है जो कि बहुत दूर है, बताओ इसकी बात करें और इसकी बात करें, ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी यानी बहुत दूरी पे। भाई डाइपोल तो बहुत छोटा है ना, यानी वही बात हो रही है, एक चींटी लो और चींटियां घूम रही है, उसके लिए दिल्ली क्या है? इन्फिनिटी है भाई। अपनी दिल्ली तो इन्फिनिटी है ना, वो सोच भी नहीं सकती दिल्ली होगी भी, हम तो सोच सकते हैं। तो हर इंसान के लिए इन्फिनिटी चीज़ अलग अलग हो सकती है। आई फील, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एंगल क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। और दोनों के बीच मेरे को डिफरेंस पता लगाने है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बताइए दोनों साइड में आपस में क्या होंगे? इक्वल। मैथ में तो पढ़ाई होगा, आपस में क्या होंगे? इक्वल। मान लो इसको बोल रहे हैं पी, इसको बोल रहे हैं ओ, इसको बोल रहे हैं बी। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है? इक्वल। ये जब ही हो सकता है जब ये एंगल क्या हो? वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू मे पी बी। अरे हाँ ना बोलो, ये दोनों क्या है? सेम है। और ये डिफरेंस है। कठिन है क्या? एंगल अगर छोटा है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो दोनों साइड क्या है? इक्वल होंगी। बात खत्म, ये नोट खत्म हो गया, लपेटो बेटे। फिर ले ऊपर देखें तो बात हो रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेशन देखें तो वी बाई आर होता है। यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और नीचे लगा दो मीटर, या फिर न्यूटन पर कूलम, दोनों ही यूनिट ठीक है। इसी के बाद में अगली डेरिवेशन डालोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन। तीन नंबर की, कितने नंबर की? तीन। अच्छा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पढ़ा आप लोगों ने कभी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन भी पढ़ा होगा। वो दोनों चीजें पोटेंशियल में भी पड़ रही हैं। पोटेंशियल एक्सियल पे कितना होता है? इक्वेटोरियल पे कितना होता है? हाँ ना बोलो बेटा। इक्वेटोरियल की बात करें, बिल्कुल आगे चले जाओ 90 डिग्री ऊपर, और एक्सियल क्या है? एक्सिस के साथ में आगे की तरफ। इनके अलावा कोई पॉइंट ले तो क्या होगा? डालो बेटा डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये पोटेंशियल की लास्ट डेरिवेशन है। इसी के साथ सारी पोटेंशियल की डेरिवेशन हो जाएंगी खत्म, यानी चैप्टर का एक फेज पूरा हो जाएगा। लिखा गया है दोबारा पढ़ो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस कितनी है? 2a। यानी एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, पर दोनों की पोलैरिटी क्या है? अपोजिट। और बीच की दूरी कितनी है? 2a। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये छोटे होते हैं बड़े होते हैं, इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। कितना? लगभग 10^-1 में चले जाओ, बहुत छोटा होता है। ये तो आता ही होगा, फील हो आराम से। तो यहाँ क्या करना है? डायग्राम बनाना है सबसे पहले। बेटे एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया बी, एक चार्ज यहाँ रखा है माइनस क्यू, यहाँ रखा है प्लस क्यू। बताओ डाइपोल है या नहीं है? बिल्कुल है जी। अब बीच का सेपरेशन जो है कितना है? 2a। और ये बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे नाम ले लो कुछ ओ। ये दूरी कितनी है? ए। ये दूरी कितनी है? ए। इतना आ गया होगा। अच्छा मैंने रैंडम एक कहीं पॉइंट लिया, मान लो ये ले लिया इस जगह, ये पी। ध्यान से देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल पे, ये पॉइंट ना तो एक्सियल पे, यानी एक्सियल पे भी नहीं है, इक्वेटोरियल पे भी नहीं है, उनके अलावा और कहीं है। तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा आपको वही निकालना है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है, यानी इन दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा आप लोगों को वो कैलकुलेट करना है। पता लग गया मैं क्या बोल रहा हूँ?
यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से ही तो निकाल लें, क्योंकि दोनों के दोनों जो चार्ज हैं वो डाइपोल के ही तो हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। बेटा मान लो इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, कुछ दूरी होगी। मान लीजिए ये दूरी R1, कितनी है R1, इसको इससे मिलाओ। मान लो ये दूरी कितनी है R2, और इसको सेंटर से मिलाओ, ये दूरी कितनी है R, ऐसे मान लिया। और ये एंगल कुछ बन रहा है थीटा, मान लीजिए कितना मान लीजिए थीटा। तो इन दोनों चार्ज की वजह से आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। बताओ A पे जो चार्ज रखा है इसकी दूरी कितनी है R1, तो ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से R1 दूरी का पोटेंशियल निकालोगे, और बी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से R2 दूरी पर पोटेंशियल निकालोगे, और दोनों को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड। टोटल पोटेंशियल निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एडअप्स होगा। क्लियर है क्या? लपेटिए डायग्राम को फास्ट, फिर लीजिए। बेटे याद रखिएगा, अगर इस डेरिवेशन को समझना है तो आपको डायग्राम को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। डायग्राम आ गया तो डेरिवेशन आ गई, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। तो फिर लीजिए, इस वाली चार्ज की वजह से जो कि ए पे रखा है, R1 दूरी पर मान लो पोटेंशियल है VA, कितना है VA। बी वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है R2 दूरी पर पोटेंशियल कितना है VB, और इस वाले पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना है V, तो ये एडिशन लगा दिया, इक्वल लगा दिया, टोटल आ गया VA प्लस में VB इज इक्वल टू टोटल, और एडिशन क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी। अब VA की बात करते हैं, बोलो फॉर्मूला क्या होते हैं, 1/4πε0। बड़े ए पे रखा हुआ चार्ज विद साइन लोगे नेगेटिव माइनस क्यू डिवाइड बाय दूरी कितनी है R1, नीचे आ गया R1। बेटा प्लस 1/4πε0। बेटा बी पे चार्ज कितना है प्लस, तो यहाँ क्यू आएगा, डिवाइड में कितना आएगा R2 आ गया। बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बेटा 1/4πε0 जिसको K भी लिख सकते हो, अंदर क्या लगेगा, एक काम करो क्यू भी कॉमन ही ले लो भाई, क्यू भी तो सेम ही है। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, और ये क्या चल रहा है V। ये आंसर नहीं है, सोचना भी मत। अभी R1 भी निकालना है और R2 भी निकालना है। ये तो आपने देखो ना, डॉटेड लाइन बनाई है, क्या बनाई है, डॉटेड। ये हमें नहीं पता भैया दूरी, वो निकालनी है। यानी R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, इनको निकालोगे और यहाँ डालोगे, फिर सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी अब कैलकुलेशन किसके लिए करनी है, R1 और R2, और वही है इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी R1 R2 निकालना आ गया तो डेरिवेशन आ गया, अदरवाइज तो ये तो कोई भी कर लेगा, एडिशन तो सब कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, R1 और R2 की कैलकुलेशन। यहाँ लिख लेना 2-3 पॉइंट, एक काम करो लिख लो, अभी डायग्राम तो वही है, लिखो। लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, जो डाइपोल है उसका नाम क्या है, ए बी। लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2A, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2A, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2A एंड टेक ए पॉइंट पी, एंड टेक ए पॉइंट पी, एंड टेक ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड टेक ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लिया गया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट, एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट, एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। उसके बाद में ये सारी चीजें लपेट लो, टोटल पोटेंशियल, और फिर R1 और R2 की कैलकुलेशन करेंगे, पहले लपेटो। बेटा जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर पहला नहीं पढ़ा उन्हें बता दूं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है वो मैंने बतलाया था पहले चैप्टर में। ये 2A जो है मैंने नहीं माना, NCERT ने बोला है। अब जरूरी नहीं है वास्तविकता में ये 2A हो, वास्तविकता में ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, बहुत छोटी होती है, पर NCERT ने बोला है 12th क्लास वाले बच्चों से जो CBSE का पेपर देने जा रहे हैं, और जो बुड़बक लोग, सॉरी बुड़बक नहीं बोला चाहिए, जो अच्छे लोग पेपर चेक करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 2A दी गई है, कितनी दी गई है 2A, पर वास्तविकता 2A की है नहीं, ठीक है, ये 2A बोल रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं। भैया सौरभ आ गया एक बार, बड़े आ गए, और ये क्या है R1 और ये क्या है R2, इनकी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा इस डेरिवेशन के बाद में आप लोग के डाउट भी ले लेंगे, जो भी आप लोगों शीट में जो दी गई थी लास्ट क्लास में उनके क्वेश्चन में कोई डाउट तो बता देना, करा देंगे, ठीक है। बड़े आगे इसे मिटा दें, नहीं इसे मिटा दें, यस
बताओ कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करें, यहां लिख लो बेटा, आवाज आ रही है मेरे को? हनी सिंह का गाना है, सुना है तुम लोगों ने? अब तुम कहोगे कौन सा? वो आंखों से हटाया चश्मा, सुना है तुम लोगों ने? आगे नहीं सुना है ना, इसलिए कह रहा हूँ बोर्ड पे देखो बेटा। एक लड़की कहती है मैं अभी सुन के आई हूँ, कैलकुलेशन फॉर आर टू किसके लिए? आर टू के लिए। बेटा यहाँ से जरा ध्यान से देख लेना, यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से नहीं आता बच्चों को। बेटा आर टू तो ये है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ओ पी लिखा है, ओ लिखा है, बी लिखा है, इस वाले ट्रायंगल को निकाल रहा हूँ अलग से। बेटे यहाँ पे क्या ऐसे बनाए, ये डॉटेड लाइन है थोड़ी और ये ऐसी लाइन है, इसका नाम क्या है? पी है। इसका नाम क्या है? ध्यान से देखो ओ है। और इसका नाम क्या है? बी है। ये आ गया तो डेरिवेशन आ गई। बेटे ये क्या लिखा है? आर टू। और ये पूरी दूरी कितनी बताओगे क्या? आर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? आर है। मान लिया हमें निकालना क्या है? आर टू निकालना है, क्लियर? पर वास्तविकता में दोनों लेंथ जो है इक्वल नहीं है, अभी तो नहीं है, छोटी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला ऐसे करके, दिख रहा है ये 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री यहाँ से बनाया ऐसे करके, याली साइड और याली साइड आपस में क्या होगी? इक्वल। पहले थी नहीं पर अब इक्वल है। और ये एंगल क्या है? बहुत छोटा, तभी है। और ये एंगल छोटा क्यों है? क्योंकि डाइपोल ये बड़ा है, बहुत छोटा होता है भी। और ये पॉइंट तो बहुत दूर होगा उसके लिए। अरे फील हो ना, मान लो ये आपका डाइपोल है और ये आपका कोई पॉइंट है बहुत दूर, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचोगे, ये ऐसे खींचोगे, तो ये एंगल क्या बनेगा? बहुत छोटा ही बनेगा, आता होगा एक बात है। तो एंगल बहुत छोटा है, तो दोनों साइड क्या है? इक्वल है। हमें निकालना क्या है? आर टू। बताओ ये पूरी दूरी कितनी है? आर। अगर मेरे को ये पता लग जाए, चलो मान लेते हैं इसे एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एन। अगर मेरे को ओ एन पता लग जाए, और ये तो बताइए इसमें से ये माइनस करके ये आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। और जो ये दूरी होगी वही क्या होगी? आर टू। समझ लो इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा कितना है? आर। अगर मेरे को ये पता लग जाए तो पूरे में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा ही नहीं आएगा, और जो ये होगा वही तो आर टू होगा। यानी मेरे को निकालना क्या है? अगर मेरे को ओपी निकालना है, जो कि मेरे को पता ही है, पहले मेरे को निकालना है पीएन। क्या निकालना है? पीएन। पीएन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? ओएन। तो पहले क्या निकालना है? ओएन। ओएन आ गया तो पीएन भी आ जाएगा, और पीएन क्या है? वही तो आर टू है। आ गया होगा यार। तो कैलकुलेशन फॉर किसके लिए होने वाली है? ओएन के लिए। ठीक है, आराम से देखो, इस वाले ट्रायंगल को अलग से निकाल लो, ऐसे ही है। बताओ बेटा ये क्या 90 डिग्री? बेटा यहाँ पे एक एंगल था, ध्यान से देखो थीटा। बताओ यहाँ थीटा है या नहीं है? ध्यान से देखना। बताओ ये बेस है, एंगल के सामने वाला क्या होता है? और ये क्या? हाइपोटेनियस। अच्छा हाइपोटेनियस यानी ये ए तो है, ये तो ए था, तो ये कितना है? ए लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि एच है। ये एन है, ये ओ है, और ये क्या है? बी है। बताओ निकालना क्या है? ओ एन। तो जो निकालना है वो ऊपर, तीनों में से कौन सा साइड पता है? ओ बी। तो ओ बी आगे नीचे। बताओ ये क्या होता है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस थीटा। ये तो आता होगा। बताओ ओ बी की वैल्यू कितनी है? ए। तो नीचे कितना आएगा? ओ एन डिवाइड बाई ए। बताओ इज इक्वल टू में क्या है? कॉस थीटा। तो ओ एन कितना आ गया? ए कॉस थीटा। ओ एन आ गया। ओ एन यानी ये कितनी वैल्यू आई बताओ? ए कॉस थीटा। ये कितना है? तो ये कितना होगा? आर माइनस ए कॉस थीटा। ये आ गया यहाँ से। और ये जितना है उतना ही कितना है? आर टू। यानी इट मीन्स आर टू कितना आया? आर माइनस ए कॉस थीटा, हो गया आर टू बस। इसी प्रकार से आर वन भी निकालना है, और दोनों वैल्यू को निकाल के उसी इक्वेशन में डालोगे जो मिटोई अभी। आ गया हुआ यार, कठिन नहीं है, बस आराम से समझने की जरिए लपेटो इसे। बड़े फिलो ये कैलकुलेशन दी किसके लिए? आर टू के लिए। बड़े आर टू आ गए हैं, अब क्या निकालना है? आर वन। आर वन और आर टू दोनों निकालने के बाद में जो इक्वेशन लास्ट छूटी थी वहीं पुट कर दोगे। तो नाउ कैलकुलेशन फॉर आर वन, बेटे डाल दो कैलकुलेशन फॉर आर वन। बेटे आर वन, आर टू नहीं, कैलकुलेशन फॉर आर वन, बिल्कुल सेम एज इट इज। बेटे देखो आराम से, आर वन का है, आर वन ये रहा। बेटे एक ट्रायंगल उठाओ, ये पी लिखा है, ये क्या लिखा है? ए। और ये क्या लिखा है? ओ। इसको वहाँ बनाएंगे, आराम से देखिए, ये पी है, यहाँ एक पॉइंट मान लो और एक पॉइंट यहाँ मान लो, इसको इससे मिला लो, डॉटेड कर दो, अरे हाँ ना बोल, इसे डार्क कर दो,
बेटा ये दूरी कितनी है a, ये क्या है r1 है और ये क्या है r, इतना आ गया है क्या? फिर लो एक काम करो r1 को थोड़ा दूर लिख लो ऐसे करके, ऐसे ये r1 है। बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है? p है। इस पॉइंट का नाम क्या है? बेटा ध्यान से देख, a है। बेटा इस पॉइंट का नाम क्या है? o है। इतना तो आ गया होगा, यानी छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड पे कर दिया, कितने डिग्री है? 90 डिग्री। अब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है? इक्वल है, पहले नहीं थी अब है। आपको निकालना क्या है? आर वन। बताओ इसको कुछ नाम ले लो, एम क्या ले लो? एम। अब आराम से देखो, अगर मेरे को एम और ए पता लग जाए तो मेरे को आर वन पता लग जाएगा। कैसे? फिर लो, बताओ ये दूरी कितनी है? आर। तो ये भी कितनी होगी? यानी यहां से लेके यहां तक कितना है? आर है। हाँ ना बोल भैया, ये आर है। अगर ये पता लग जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो आर वन आएगा, नहीं आएगा? पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ भैया? ये कितना आ रही तो है, और ये पता लग जाए तो उसमें ये जोड़ देंगे तो पूरा आर वन आएगा ही नहीं आएगा? आ जाएगा। तेरे मेरे को निकालना क्या है? एम ए बोल दो या ए एम बोल दो। तो कैलकुलेशन फॉर एम लिख देते, ठीक है एम ए। ये अला ट्रायंगल उठा लो यहाँ पे, बताओ क्या है? ऐसे दिखा दिए, बताओ ये कितना है? 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? एच हाइपोटेन्यूस, जिसकी वैल्यू कितनी है? ए है। ये वैल्यू ए, आप यहाँ लिख लेना ए, इसे हटाई दो, ए लिख देना। बताओ ये निकालें तो क्या निकालना है आपको? एम है, ए है, और ये क्या है? ओ है। यानी एम ए आपको निकालना है, पता क्या है? ए ओ। ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? एच है। क्या होता है? पॉजिटिव। ये तो आ गया सेम। बताओ ये कितना है भैया? ये कितना है? ए। ए डाल दिया, क्या है? कॉस थीटा। बताओ एम ए कितना आएगा? यही लिख लो, एक काम करो, बताओ बेटा एम ए कितना आएगा? ए कॉस थीटा, यानी कॉपी पेस्ट सेम हो रहा है बिल्कुल। बेटा ये वैल्यू कितनी आई है? ए कॉस थीटा। बताओ पूरी वैल्यू कितनी होगी? इट मींस जो आर वन है इसको और इसका एडिशन होगी, तो यानी आर वन कितना आएगा? आर प्लस ए कॉस थीटा। अब एग्जाम में इतना लंबा थोड़ा करोगे, किस पे टाइम है? कोई भी एक निकालोगे, अगले का साइन चेंज कर देना। देखो आर टू क्या आया था? आर माइनस ए कॉस थीटा ना, तो आर वन क्या आ रहा है? आर प्लस ए कॉस थीटा। अगर ये निकाले तो अगला वाला माइनस में, अगर वो निकाला है तो याला प्लस में। एक ही निकालना एग्जाम में, बस दो के लिए टाइम नहीं होता, पर समझने दोनों है। आ गया होगा, लपेटो इसे बेटा। उपाय की बेटा, अगर आप लोग सोच रहे हो ज्यादा कठिन है तो यकीन मानो कठिन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं करना, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसके बाद में जो चीज पता करनी है वो यहां लिख ली, जो निकालना है ऊपर, जो पता है वो नीचे। b अपॉन h cos थीटा होता है, मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया, और एडिशन करना तो आता होगा, जोड़ दिया है। बेटा इसके बाद क्या करेंगे? डायग्राम को मिटवाएंगे, और इसके बाद जो आंसर है वो डाल देंगे। बेटा r1 भी आ गया, r2 भी आ गया, अब क्या करनी है? कैलकुलेशन। सिर्फ जो लास्ट इक्वेशन छोड़ी थी वो v is equal to में, बोलो क्या थी? बेटा q था डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा माइनस में आर वन प्लस में आर टू था, आर वन भी निकाल दिया आर टू भी निकाल दिया, यहाँ डाल देंगे वैल्यू, बोलो क्या आएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा आर वन कितना है? आर है बेटा, प्लस है ए कॉस थीटा है, नॉट प्लस, प्लस ही है बेटा, ए कॉस थीटा, प्लस ही लिखा देखो ध्यान से, है ना भैया? बेटा प्लस ये कितना है? आर है माइनस है ए कॉस थीटा। बेटा जब समझ में ना आ रहा ना एलसीएम क्या लेना है, तो दोनों चीज़ें ले लिया करो आराम से। बोल बेटा क्या लिखा है? क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, डब्बा खींचा, लाइन खींची, दोनों लिखो, पहला कितना है? आर प्लस ए कॉस थीटा, और एक मिनट रुक जाओ, आर प्लस ए कॉस थीटा, उसके बाद क्या है? आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस कॉस है थीटा। बताए इस वाले से ये कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे, बाहर माइनस है या नहीं है? तो ये माइनस हुआ, क्या है? आर माइनस ए कॉस थीटा है, बीच में क्या है? प्लस, इससे ये कैंसिल, तो ये इधर आएगा, कितना आएगा? आर प्लस ए कॉस थीटा। डब्बा ओपन करना आता है, आराम से करो बेटा, क्या है? क्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ओपन करो, माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस ए कॉस थीटा, प्लस में आर प्लस में ए कॉस थीटा डिवाइड में। बेटा आराम से देखो, दोनों डब्बे सेम सेम लग रहे हैं, बस एक प्लस है एक माइनस है, आर क्या हो गया? आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ए को ऐसे करा ए स्क्वायर, कॉस को कैसे करा? आ गया होगा
यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा भी कर सकते हो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। क्लियर? ये हो गया डब्बा क्लोज। बताओ माइनस आर से प्लस वाला कैंसिल, ये और ये सेम है, अलग है, सेम ऐड हो जाएंगे, देखो कितना आएगा बेटा, v इज इक्वल टू मे क्यू डिवाइड बाई 4 बाई एप्सिलॉन, यहाँ पे कितना आएगा, ये और ये बेटा आएगा 2a cos थीटा, डिवाइड में कितना है बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, जो यहाँ लिखा हुआ ये रहा, तो कितना है, आर स्क्वायर है माइनस में ए स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा है, आराम से देखो इसे, p लग रहा है कहीं, बट देखो क्यू भी दिख रहा है और 2a भी दिख रहा है, इसलिए क्या आएगा p, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको बता दें, चैप्टर नंबर 1 में एक फॉर्मूला था, p इज इक्वल टू क्यू भी था और 2a भी था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बतलाया गया था वहां पे, तो बेटा ये 2a दिख रहा है और ये चार्ज है, इन दोनों हटा के क्या लिखेंगे, p, तो v इज इक्वल टू आएगा p, और पीछे क्या है, cos थीटा डिवाइड में क्या है, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यकीन मानो तुम्हें पता भी लगेगा और आंसर आ गया, ये आंसर है अंत डेरिवेशन का। परंतु इसके अंदर केस होते हैं दो, कौन कौन से, एक एक्सियल का और एक इक्वेटोरियल का, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया था पी याद होगा, ना तो इक्वेटोरियल में था और ना तो एक्सियल, उनका ये बीच में था कहीं, अब दोनों पे निकालना है लपेटे से बेटा, आइए ऊपर देखें, तो बड़े पोटेंशियल कहाँ निकले हैं आपका, ना तो इक्वेटोरियल पे है ना तो एक्सियल पे है, ये एक्सिस पे है, उन दोनों के अलावा कोई पॉइंट है। अब इस वाले फॉर्मूले की मदद से आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पे निकालने, यानी दो केस है, कितने केस हैं, दो केस, केस नंबर पहला लिखो बेटा। अच्छा एग्जाम में डेरिवेशन आई, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, क्या बोला मैंने, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, तो आपको यही करना है। अगर एग्जाम में है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, तो यही करोगे, बस एक स्टेप और बढ़ा दोगे। और एग्जाम में है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो भी एक स्टेप और बढ़ा दोगे, करनी है ये। क्लियर? क्या केस नंबर पहला डालिए फास्ट, केस नंबर पहला, उसमें लिखिए पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द, आर आर सर बड़े आगे बेटा उपाय किए, तो जरूरी काम था जाना पड़ा था, पर वापस आ गए, हम समझ सकते हो ना, आओ बड़े मुंह पे उंगली नहीं रखनी, बस शांत रहना है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, अच्छा पहले समझो, मान लीजिए यहाँ डाइपोल है, ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस चार्ज, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है बी है, बात करें हमने जो पॉइंट लिया था वो यहाँ लिया था ना, ये पॉइंट तो आपका इक्वेटोरियल पे ना ही वाला पॉइंट एक्सियल पे, परंतु मान लो इसकी दूरी कुछ तो मान लो आर थी, कितनी थी आर, ये पॉइंट पी था, अगर ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाए तो पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल, इसमें यहाँ कुछ एंगल है थीटा, पर जब ये वाला पॉइंट जो है ऐसे करके यहाँ आ रहा है तो थीटा कितने डिग्री, रॉड दिखा बेटा फील है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है थीटा है, पर ये ऐसे करके ऐसे अगर थीटा कम होगा ज्यादा, और यहाँ पे कितना जीरो, यानी एक्सियल लाइन पे थीटा कितने डिग्री है, जीरो डिग्री, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आपने निकाल लिया है, कितना निकाला है फील लो बेटा, वी इज इक्वल टू 1 बाई 4 बाई एफ सो नॉट बेटा, पी ए कॉस थीटा है डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी निकाला तुमने, यानी इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है ये। इस वाले फॉर्मूले में अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डाल दो तो जो पोटेंशियल आएगा वो यहाँ आएगा, जो कि कहाँ होगा, एक्सियल पे, पता लग गया क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डालना है, तो वही करेंगे, यहाँ पे क्या डालो, वी इज इक्वल टू बेटा क्या है 1 बाई 4 बाई एफ सो नॉट, पी लिख दिया, कॉस थीटा कितने डाल दी 0 डिग्री, डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, डब्बा क्लोज, कॉस 0 कितना होता है 1, कितना आएगा 1 बाई 4 बाई एफ सो नॉट, ये पी हो गया सिर्फ, ये तो वैल्यू 1 होगी, पी आ गया, डिवाइड में कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया आंसर।
बेटा इधर इधर भाई, लाजमी से आता ना, अगर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो थीटा जीरो। और ये डेरिवेशन पहले चैप्टर में पढ़ी आपने, आ गया। पर रुको जरा, ये आपका आ गया एक्सेल पे, कहाँ पे आ गया एक्सेल, ये वैल्यू आ गई कितनी आई एक्सेल बताओगे जरा, वी एक्सेल पे आई आपकी बेटा 1/4πε₀PI/a²। अच्छी बात है, ये आ गया फॉर्मूला। परंतु इसमें भी एक केस है, इफ मान लीजिए आज ये बहुत बड़ा हो जाए ए से, और वास्तविकता है ए क्या है, ए तो आपका ये था ना, याद करो, और ये क्या था आर, ये छोटा है बड़ा है, उसके कंपैरिजन में ये तो बड़ा ही होगा, तो नेगलेक्ट कर दोगे। अच्छी बात ये है ऊपर ए नहीं है तो डायरेक्ट हटा सकते, तो इसे नेगलेक्ट कर दो, क्या कर दो नेगलेक्ट, तो क्या आएगा वी एक्सेल पे आएगी कितनी 1/4πε₀, ऊपर पी ए, नीचे कितना आएगा आर स्क्वायर, वो तो खत्म। पर अगर ऊपर भी ए होता तो ऐसे नहीं करते, फिर बड़े वाली चीज कॉमन लेते हैं, बड़े के रिस्पेक्ट में छोटा देखते हैं, वो रेशियो नेगलेक्ट करते हैं, बताया ना वो, तो ये आ गया कहाँ पे एक्सेल पे, ये आ गया। अब रुको जरा, कई बच्चों को पता ही नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेल, पहले चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, थोड़ा सा बताते हैं बेटा। ये डाइपोल होता है ए पॉइंट ए को है बी, या माइनस नहीं आ गया है प्लस, इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर इसी लाइन में आगे बढ़े और कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, वो एक्सेल पे होगा, कहाँ होगा एक्सेल पे। और अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो सेंटर से सीधे ऊपर जाओ, कोई पॉइंट ले लो उसे इक्वेटोरियल बोलते हैं, क्लियर क्या? तो इसे लपेटो, केस नंबर पहला था ये, केस नंबर पहला आ गया होगा मेरे हिसाब से, लपेटिए बड़े आगे। हाँ बच्चों फील लो, तो पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन कितना है बटे 1/4πε₀PR², और इसे अगर नेगलेक्ट ना करें तो इतना है बेटा। केस नंबर सेकंड, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, बेटा आवाज नहीं, बेटे कौन सी लाइन पे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, सुने जरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। बड़े जो डाइपोल होता है, सुन लो पहले, ये माइनस यहाँ पे, यहाँ क्या है प्लस है, डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो ऊपर या फिर नीचे कहीं भी, और उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट कहलाएगा। तो मान लो यहाँ पे ले लिया पी, बताओ यहाँ पे पहले था पी, तो उस वक्त थीटा कुछ था, जब जे वाला पॉइंट ऐसा करके यहाँ आएगा तो थीटा कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री, यानी आपको थीटा कितना पुट करना पड़ेगा 90 इस वाले केस में, क्लियर क्या? आया क्या था इस वाले पॉइंट पे, फॉर्मा क्या आया था बताओगे मेरे को भाई, 1/4πε₀ बड़ा पी था, कॉस था, थीटा था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आया था। यहाँ थीटा कितने डाले 90 डिग्री, डालो भैया देखो कितना कठिन है, बहुत बढ़िया भैया, तेरे को मैथ भी आती है इसका मतलब, कॉस 90 डिग्री डिवाइड में कितना है, आया नहीं आया बताओ, कॉस 90 कितना होता है जीरो, जब जीरो यहाँ डालोगे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा जीरो, मतलब सब कुछ जीरो हो गया, यानी इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना होता है जीरो। और इसी बात के साथ में ये पूरी डेरिवेशन के सारे केस और डेरिवेशन हो जाती है खत्म। आपको करना क्या है सुन लो जरा, एक आर वन और एक आर टू वो ध्यान रखना है बस, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रैक्टिस करनी है तो उसकी करना, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और एक और चीज़, एक्सेल लाइन पे थीटा कितनी डिग्री 0 डिग्री, इक्वेटोरियल पे कितना 90 डिग्री, वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाता है, क्लियर। इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात ही करेंगे। छोटे छोटे धन्यवाद, सब खैर बच्चों।